जय सर। जय हिंद। व्हाट हैपेंड देयर ऑफिसर? सर वो मर्डर के बारे में तहकीकात शुरू है। क्या तहकीकात चल रही है? सर वो प्रोग्रेस पे है। बट सर वो नो बट नो किंतु परंतु आई वांट रिजल्ट एनी कॉस्ट। सर यस सर। सर अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ऑफिसर मुझे जल्द से जल्द बताओ क्या राज है हवेली का। हो रहा है ये हवेली के अंदर? हर दो तीन दिन के बाद में एक मर्डर, हर दो तीन दिन के बाद में एक मर्डर। क्या कमिश्नर ने भी कौन से गांव में भेज के रखा है? यहाँ कौन रहता है? यहाँ पर मैं रहता हूँ। आप रहते हो? कैसे मर्डर वगैरह हो रहा है कुछ पता है? आपको भी पता नहीं है? नहीं। ये कब हुआ? ये कल हुआ। कल हुआ? और आज पुलिस को इतना दे रहे हो? पापा क्या है रे? मुझे 2000 रुपए चाहिए। अरे किस लिए चाहिए तुझे 2000 रुपए? मुझे कॉलेज में काम है, कुछ खर्च के लिए चाहिए। ये ले 50 रुपए और जा कॉलेज। क्या होगा 50 रुपए? मुझे पेट्रोल भरना है बाइक में, दोस्तों को पार्टी दे रही है, 50 रुपए में कुछ नहीं होगा। राधे आज से तू कॉलेज साइकिल से जाएगा, पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए, 80 रुपए लीटर हो चुके। और सुन तुझे कॉलेज से जल्दी घर आना है, लकड़ी भी तो लाना है। क्या आप मरने वाले हो? बदतमीज मुझे मार रहा है। गैस की लाइन कौन लगाएगा? गवर्नमेंट ने सही सिलेंडर देने का वादा किया है 1 साल के लिए। कॉलेज जा, बाइक मत लेके जा। मुझे नहीं लाना लकड़ी वकड़ी। ले आपके 50 रुपए, रामू कहना मैं जा रहा कॉलेज। अरे मेरे 2 टाइम की सब्जी होंगी, या हाँ राधे। अरे क्या हुआ राधे, बहुत टेंशन में दिख रहा है आज। गर्लफ्रेंड ने डांटा है क्या? मजाक मत करना यार। अरे क्या हुआ लेकिन? क्या बताओ तुझे इतना कंजूस बाप? 2000 रुपए मांगे मैंने तो 50 रुपए देता है। क्या 50 रुपए? और कहता है कि बाइक मत लेके जाना, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, और साइकिल से जाना या तो फिर पैदल चले जा। ठीक है राधे, चल पैदल ही चलते, जो मजा पैदल में है वो गाड़ी में कहा।
के लिए लोगों ने खुद का डर अपने दिल में डाला है क्योंकि उनकी दुकानदारी खेलने को है। क्या रबचिक पटाखा आया कॉलेज में? अच्छा जरा हमें भी तो दिखा। अभी बताता हूँ भाई। अरे ओ मलिका जरा इधर तो आ। अच्छा तो ये है वो माल। अंजलि चल यहाँ से। जरा हमारी भी इनसे जान पहचान करा दे। ये टपोरी लड़के हैं, ये बदतमीजी करेंगे। चल यहाँ से। ए मलिका तू जल्दी यहाँ से निकल वरना जो अंजाम इसका होने वाला है वो तेरे साथ भी हो सकता। चल निकल। शायद तुम नहीं जानते कि मैं किसकी लड़की हूँ। अगर मुझे छूने की भी कोशिश की ना तो देख लेना तुम सब। अच्छा तेरे गोरे गोरे गालों को तो छुएंगे भी और चेकेंगे भी। चल छोड़ो मुझे प्लीज। बचाओ चल। कोई है यहाँ? बचाओ छोड़ो मेरा हाथ। बचाओ। अरे देख राधे मुझे शो का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। देख? अगर मैडम से बात होगी ना मेरी। हाँ। अरे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो पिकनिक की मजा आएंगी यार। करना फिर बात करना यार। हाँ ठीक है यार। मैडम का कॉल आने वाला है। मैडम ने जस्ट बोला है थोड़ी देर में कॉल करती है। अरे यार राधे मैडम का फोन आया यार मैं बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ तो मैडम जो बात हुई थी अपनी गैदरिंग के बारे में जो पेमेंट की आप पेमेंट कर देते गैदरिंग की तो मैं गैदरिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देता। ठीक है मैडम ओके। राधे भैया वो देखो रंगा का भाई अपने कॉलेज के लड़की को उठा के लेके जा रहा है। चलो चलते सलीम देखते। चल देखेंगे। चल चलो चलो। सारा सन्नाटा है। सारा सन्नाटा चारों तरफ कोई नहीं है बस हम और तू बाकी कोई नहीं। कोई नहीं आने वाला है। चारों तरफ सन्नाटा है। मैंने माल सकता बाबा। बीच में बच पा कर गर्दन उकार दूंगा पागल समझाए क्या छोड़ इस लड़की को। क्या है बे छोड़ इस लड़की को। तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ? रंगा दादा का आदमी हूँ मैं समझा क्या? ये कौन है रंगा जिसका मैं दूसरी बार नाम सुन रहा हूँ? रंगा भाई भाई बोलने को एक घंटा लगता है और तू उसे बोल रहा है कौन रंगा दादा? ये उसे पता नहीं मेरा नाम क्या है। राधे नाम है मेरा। रंगा को नंगा कर दूंगा। अच्छा गर्दन उखाड़ दूंगा उसकी। समझा क्या पागल समझाएगा मुझे? आप समझे राधे कौन है?
पी के अब भी यही रुका कर तू अपने माँ का दूध पिया हुआ लेके आता रंगा दादा क्या लेके रंगा दादा को अब भी लाता हूँ अब भी लाता हूँ बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। मेरी बात क्या ये तो हमारा फर्ज था। शुक्रिया क्या बात है ये तो हमारा फर्ज था। फिर भी आपने मेरे लिए गुंडों से लड़ाई की। मिल जाएगा हिचक से होती है। अरे लड़की देखी नहीं और लाइन मारना शुरू। अरे धुत लगे रे बेटा। क्या बात है जो बात है वो खुल के कह देनी चाहिए। ऐसे मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए। कह दो। हाँ कह दो। कसम से वो बात पूरे जमाने को पता चलेगी। पक्का? अरे हाँ बाबा हाँ। आई लव यू। रंगा भाई अपुन को राधे ने मारा तुम्हारा नाम पता है बाजपी बहुत मारा है ये देखो आपका नाम पता है बाजपी रंगा दादा मेरे को मारा रंगा दादा ये देख रंगा दादा वो छोके का साला कुछ ना कुछ करना ही पड़ता बहुत मारा दादा ये तीन उल्लू के बच्चे रंगा दादा का नाम खराब कर गया। रंगा एक बार किसी के नाम की सुपारी लेता है ना उसे यमराज भी नहीं रोक सकता। तूने अपन का नाम बताया था क्या उसको? हाँ दादा दो बार बताया नाम उसे वो बोले कोई भी रंगा उंगा को जानता नहीं और दादा बोले नंगा को नंगा कर देगा। हिंदुस्तान में रहता है रंगा मगर दुबई पे राज करता है रंगा। वो किस खेत की मूली है कौन था टपोरी लोग रंगा दादा का नाम खराब करके आए। हाँ सीधा खड़ा नहीं टपका दूंगा। रंगा दादा बहुत मारा रंगा दादा इतना मारा यहाँ से खून निकल रहा है। रंगा दादा नाक रंगा दादा ये साले कौन से टपोरी लोग हैं जो रंगा के शहर में आके रंगा को चुनौती देते हैं। रंगा को देखता कौन सा राधे है। चल चल फूटो डबरी लोग चलो मैं देखूंगा रंगा लाला चल फूट। इतने बड़ा डॉन का ये लोग नाम खराब करने आए। रंगा मौत का दूसरा नाम है रंगा। हेलो हाँ अंजलि। हाँ बोलो राधे। हाँ मुझे तुझसे कुछ काम है। अच्छा क्या? तू पार्क आना। पार्क? अच्छा मल्लिका को भी साथ लेके आ। हाँ मल्लिका को साथ में लेके आ। ठीक है। और थोड़ा जल्दी आना। हाँ बाबा। हाँ अच्छा ओके बाय। हेलो बाय। अबे सलीम तू कहाँ पर है? अबे जल्दी आ। तू अंजलि को और मल्लिका को बुलाया मैंने तेरे लिए गोल्डन चांस है आई लव यू बोल सकता है तू। देख राधे तूने मल्लिका को और अंजलि को बुलाया होगा तो मैं जरूर आऊंगा। अबे साले जल्दी आ टाइम मत कर फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं फिर घूमेगा ऐसी इधर उधर मुंडे मारते हुए। देख अगर मल्लिका मुझसे प्यार करती होंगी और तेरे सामने अगर इजहार करती होंगी प्यार का तो मैं आऊंगा। और कहाँ पे आना पता है? बोल कहाँ आना है।
गांव के नदी के पास आ। नदी के उस पार आ रहा हूँ राधे। हाय अंजलि। हाय। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो। कसम से? सच्ची? तुम्हारी कसम। वैसे तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे तुमसे कम ही। देखा मलिका, राधे का पहली नजर में प्यार हो गया। और एक हम है ना, आंख लड़ी ना बात बड़ी, वही के वही हैं हम। हाँ कुछ सोचा है? राधे को देखो, राधे में वो दम है, तुम में वो दम कहाँ? अगर तुम चाहते तो राधे की शादी में हमारे बच्चे होते। अगर तुम चाहते? जी। छोड़ मत रे दिल मेरा, तोड़ मत रे। अरे अरे राधे रोक राधे, तू ट्रिप पे जा रहा है ऐसा मुझे मालूम हुआ है, सही है? ये बात आपको किसने बताई? मेरे को किसने भी बताओ, लेकिन तू जा रहा ना? बिल्कुल ठीक सुना है पापा आपने, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, वो भी नगद चाहिए। 20,000 रुपए? वो भी नगद? 2,000 रुपए दूंगा, लेना है तो ले, नहीं तो वैसे ही चले जा। इतनी कंजूसी? आपके मरने के बाद ये सब कुछ मेरे ही तो है। मुझे मारेगा? मेरी जाने की तू सोच रहा? हर बार तू मेरा मरण देख रहा है, मेरे मरने के बाद तू सब कमा देगा। निकल मेरे घर से, चल निकल मेरे घर से, जा उधर किधर भी। बहुत हो चुका आपका, जा रहा मैं पिकनिक के लिए। चल जा, तेरी माँ है मेरे पास, चल निकल जा। काम का ना काश का, दुश्मन अनाश का। क्या हुआ राधे, क्या बात है? क्या बता तुझे, पापा को मैंने 20,000 रुपए मांगे और कहता है कि 2,000 में पिकनिक कर गया। बता 2,000 में क्या होगा? अरे राधे टेंशन मत ले यार, तू पिकनिक की तैयारी कर, मुझे डांस क्लास की फीस मिल गई है। क्या बात कर रहा है यार? यस! बचाओ, अरे मेरे पीछे क्यों लग रहे हो कमीनो? अरे ₹2,500 की दुकान में ये सब होती है। ये लोग खामखा मेरा पीछा कर रहे हैं इस जंगल के अंदर। क्यों मार रहे हो इसे? या अकेले पे मर्दानगी बताते हो क्या? कौन है तू? अरे भाई मेरी 2 दिन से गधिया गायब है, उसी गधिया को ढूंढने जंगल में पहुंचा। भाई मेरे गधे की हालत तुम देखो ना, तो रो रो के परेशान हो गया बेचारा। उसी गधिया को ढूंढने जंगल में पहुंचा, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा था। वो गधिया तो रही साइड में, साले ये गधे मेरे पीछे पड़ गए। रहना कहा है तेरा? एक काम कर, चल मेरे घर। तेरे घर? चल जल्दी। ठीक है भाई, चल फिर। अबे चल मेरे घर पे चल, तुझे मैं बिरयानी खिलाता हूँ मेरे माँ के हाथ की, ऐसी बिरयानी बनाती है कि तू उंगलियां चाटते रह जाएगा। चल जानी। हाँ। ये देख मेरा घर आ चुका है, चलेगा अंदर? काफी बड़ा घर है तेरा। हाँ? वो भी अच्छा घर है, मुझे लगा ऐसी है तू फर्दूस फैमिली का, तू तो काफी अमीर दिख रहा, शक्ल से नहीं लगता मगर। चल घर पे चल मेरे, मम्मी से मिला था। मेरे बाप, क्यों इतने बड़े घर में मुझे डर लगता है।
भूत दादी को खाएगा तो डर लगेगा। अरे भूत नहीं, मुझे डर लगता है। एक बार तू जा तेरी माँ से बात करा ले, जानी मैं कैसा गरीब आदमी हूँ, इतने बड़े घर के अंदर नहीं पहुँच सकता हूँ। तू जाके आ जा, तो देख ले। ठीक है, मैं दो मिनट में जाके मम्मी से मिलके वापस आ जा। इधर ही रुकना। आता ना, मैं थोड़ा सा आता ना। फिर इधर रुकना क्या? अच्छा चल। ए, इधर इधर सब मुंह काला कर दिया मेरा। ये कुत्ते के जैसे बाल बढ़ाया और चला। बालों को कुछ नहीं कह रहा बेटाजी, वरना जंग हो जाएगी। और तू मेरे साथ जंग करेगा? ये के बेटा पानी पी ले, गुस्सा शांत कर। समझा दो मैं इसे। मैं इनको तो समझा दूंगी, पर तू भी थोड़ा समझ जा। नहीं चल मेरे लाल, मेरे प्यार। तू और तेरा बेटा, मुझे तुम कहीं का नहीं रखने वाले। देखना यार, तंग क्यों कर रहा? तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मेरी बाहों में आ जाओ। जब तुमने पिकनिक की प्लानिंग कर ही ली है तो भला मैं तुम्हें ना कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। फिर चले पिकनिक? हाँ। बहुत हो गया राधे, एक दूसरे से मोहब्बत करना। राधे हाँ, इस बार अकेले मत जाना पिकनिक। अच्छा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो ना फिर। हाँ ओके। हाँ हाँ चलो यार, ओके। रुको, मुझे आने दो, मुझे अकेला छोड़ के चले जा रहे हो? बाप को बड़ा मोटा लेके चला लो नदी किनारे। बहुत एंजॉय कर रहा है जानी। गुलतर बाप को बड़ा मोटा। राधे अपने को दरगाह पे चलना हो, दरगाह दिख रही है। हाँ चलो चला जाने। हाँ मान जाने, सबको लेके चलते। चलो दरगाह पे जाएंगे। चलो दरगाह अल्लाह मान चलो। अरे रह गया ना। जानी हाँ हाँ, अपन दरगाह से आ गए अभी। हाँ हाँ, अब मंदिर जाना है। चलो चल दे। हाँ कब लेके जाएगा बे? अबे जा रहे ना। अब हमारा खुरमा बनाने के बाद में साले थका रहा है। अबे जंगल तो है ये। हैं? जंगल है ना, तो बोला था इसी जगह ले आऊंगा। जब तक खुटे नहीं डलते हमारी इसमें। है? चल जल्दी, तुम्हारा कहा है वो तो पिकनिक। अच्छा, तो तेरी मुराद पूरी कर देता हूँ। मेरी मुराद किधर से है? चल चल, चल, चल हवेली चलते। वो आ गए हवेली चलते। वो आई। अबे हवेली कहा है? हाँ, वो है हवेली। चल 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 चल। अरे राधे, यहाँ पे तो पुरानी हवेली दिख रही है, यही पे रात बिताए तो मजा आ जावे। तेरे साथ से जाने, तुझे बोलेगा वो। चल तो फिर पूछ लेते हैं यार, कोई हो तो। हाँ हाँ चल चल चल। राधे,
ये क्या हुआ रे? ये गेट तो ऑटोमेटिक खुल गया। शायद हवा से खुला होगा जानी। हाँ, हवा से खुला होगा। वैसे मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, हवा से खुला होगा। चल अंदर चल। गेट क्यों खुल रहा है वाला? ये कौन सी हवा है राधे? राधे ये कौन सी हवा है? कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। तुम इस हवेली में क्यों आए हो? क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? क्या मुझे तुम पहचानते नहीं हो? नहीं, तुम्हें इस हवेली में मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरा नाम राधे है, ये लोग मेरे दोस्त है। किस लिए आए हो इस हवेली में? हम यहाँ पिकनिक बनाने के लिए आए थे और बहुत रात हो चुकी है, रात भर हवेली में रुकना चाहते है। नहीं नहीं, पागल हो गया? अरे इस हवेली में न रुकने दूंगा, रुकना मत तुम वापस जाओ, जाओ तुम, यहाँ मत रहो, यहाँ मत आओ, अपनी मौत को दावत मत दो। मौत का क्या है इसमें, हमें तो रात बितानी है, बहुत रात हो चुकी है, इन लोगों को कहाँ लेके जाओ? नहीं नहीं राधे चलना रे बाबा। अरे ठहर जानी, मुझे रात भर इस हवेली में रुकना है। नहीं चले जाओ। चल रहे बाबा, मुझे इस हवेली में रुकना ही है रात भर। अच्छा अपने जिद पे आ रहा है, चल। अरे जानी डरना मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, चल। अबे जाने डरता क्यों? अबे डरता क्या, दरवाजा कभी खुलता है कभी बंद होता है मेरे बाप। अबे उठ चल हट, अच्छा हो बाजू। अबे राधे ये लालटेन वाला चौकीदार अचानक गायब कहाँ पे हो गया? अबे खुलना, चल चल जानी चल। कितना अंधेरा है बे, चल चल चल, मुझे आगे बढ़ा दिया। आगे चल जानी, चल कुछ नहीं, चल कुछ नहीं, सामने कर देते हो, बलि का बकरा बना देते हो। तू कैसा आया पिकनिक पे? अबे पिकनिक पे आया था, ऐसे वीराने में पिकनिक करे? क्या देख रहे हो? सूरत तुम्हारी। क्या चाहते हो? चाहत तुम्हारी। ना हम जो कह दे? कह ना सकोगे। लगती नहीं ठीक नियत तुम्हारी। Thank you.
हाय क्या हीरो है, क्या मसल है, अगर ये मुझे मिल जाए तो। क्या देख रही थी? हाय हट कलवे। क्या कर रहा जाने इसके साथ में? तेरे तो भाग है भाई, बहुत भाग खुल गए तेरे। साला कॉलेज में लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ पे नौकरानी भी मांगने लगी तेरे पे। बना भाई वर्जिस। अबे तुझे तो पता है ना मैं किससे प्यार करता हूँ। किससे रे? अंजलि से। उसके बिना तो मैं किसी को छू भी नहीं सकता। वैसे नहीं छू सकता, सपने में तो छू रहा था। अबे चल हट, क्या बात कर रहा, सपने में छूना। सलीम। हाँ बोल। यार मैं क्या सोच रहा था, अपने बाजू में होटल है हवेली। अच्छा, हाँ, है? थोड़ा सा लाइट लाइट मार के आ जाते थे। क्या बात है, काम की बात बोलता है यार, है कि नहीं? चल फिर। अरे राधे को भी लेते यार। अरे किस मुसीबत का नाम ले लिया यार। अरे दोस्त है अपना यार। अरे यार दारू के बारे में तुझे मालूम है ना? क्या प्लानिंग चलो दोनों की? तू आ गया? कुछ नहीं, ऐसे सोच रहे थे। जरूर कुछ मसाला पका रहे तुम दोनों। अबे मसाला नहीं, पूरी भाजी पका रहे। हम क्या सोच रहे थे, बाजू में होटल है, थोड़ा लाइट लाइट मार के आ जाते थे। चल यार जाने को साथ लेके चलते हैं। अबे भैगता है ये पीने के बाद, तुझे पता है ना लाइट लेने का। हाँ लाइट। हाँ लाइट ही लेता हूँ, लाइट नहीं लेता, लाइट ही लेता। देख कैसी मस्करी कर रहा है। देख मस्करी का, लाइट ही लूंगा ना। और वैसे भी हिंदू मुसलमान ईसाई तीनों साथ होंगे तो मजा आएगा ना। चल यार डांस वांस और हो जाए पार्टी। या सुनाई नहीं आता क्या? दो बार बुलाने के बाद तू आया क्यों नहीं?
अरे तो आने वाला था क्या बंटुल लोग का भाई, वो आप कब्जा वसूल कर रहे हैं? बुलाया कौन है? ये अभी आया है शुक्लाल। वे टकले हाँ नहीं रंगा दादा, सलाम करना भूल गया था रंगा दादा को। सलाम। सुना है वहाँ पर एक आइटम भी आई है। आइटम? नाच गाना होगा? बिल्कुल होगा बिल्कुल, क्योंकि अपन का नाम है रंगा। ये रंगा, ये खून तूने किया। जब आखिरी में डांस खत्म हुआ, जब लाइट ऑफ हुआ, तू यही खड़ा था। बिल्ला, रंगा, ये काम तेरा ही है। इसको समझा, समझा दे जरा इसको। राधे, बता इसको। हाँ, खून तूने किया। आपस में झगड़े मत करो। ये मर्डर किसने किया देखा जाएगा, और यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। ऑफिसर, समझा दा इसे। ए, रंगा दादा शेर का शिकार करता है, चले इसे बाहर देखते। ए, पुलिस को अपना काम करने दो। ए, जब तक तहकीकात पूरी होती नहीं, यहाँ से कोई नहीं लेगा, समझे? अंजलि, राधे, यहाँ कोई था भी? राधे, यहाँ किसी की परछाई थी। क्या दिखा और क्यों चिल्लाई तुम? मुझे यहाँ कोई मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है इसको? अबे जानी, चुप बैठ, पहले घबराई हुई हो। लेकिन भाई, तुम तो कौन मारना चाहते है? तुम तो नवाड़ी भाई है। मैं तो पहले ही कह रहा था, ये बकवास हवेली है, यहाँ पे रुको मत, यहाँ भूतों का डेरा है बे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यहाँ पे कभी भूतनी दिखती है, कभी भूतिया दिखता है। अरे यार राधे, समझा इसको यार। अब देख, मैं जो बोल रहा था वो अंजलि को भी दिखाई दिया। अबे भूत ने दिखाई दिया उसे, परछाई दिखी उसे। तू तो उसकी आंखों से देखने लगता बे। मैं तो पहले कह रहा हूँ, तुमको रुकना हो तो रुको, नहीं तो मैं चला भाई पेशाब करने। कोई तू भी इस हवेली में जो ऐसी हरकत कर रहा है, देखता हूँ मैं उसे। बाबू की पेट के तले, तेरी माँ भाजी तले, मेरा बाबू खा के चले। बाबू के पेट के तले, देखो देखो देखो, मेरी तरफ मत बढ़ो, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा दूंगा। मैं क्या कच्चा चबा दूंगा? तू खुद मरे लिए है। मेरी माँ, मेरा बीचा चोर, मेरी माँ, मेरा पीछा छोड़। मैं तुझे क्या बोलूँ? जा, जा, मुझे छोड़, छोड़ दो, मैं क्या करूँ? कह, कह, कह।
अब बिल्ला, एक और खून हवेली के अंदर। बिल्ला, इसका भी गेम बच गया। हवेली के अंदर खून क्यों हो रहे यार, क्यों हो रहे खून? लगता है मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। क्यों मारा रंगा उसे? अबे रंगा, तुझे पूछ रहा हूं क्यों मारा उसे? अगर मारना ही होता तो तुझे मारता, समझा? तुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया राधे? सोच, और तू भी सोच। रंगा मौत का सौदागर है, मौत का सौदागर। अगर रंगा चाहे तो तुम दोनों भी जिंदा नहीं रह सकते। तू मौत को दावा दे रहा रंगा? लगता है सलीम, इसका बुरा वक्त आ गया है। अपने खोपड़े सर का मत, समझा? तूने जानी को मार के अच्छा नहीं किया रंगा। बिल्ला, तेरे को एक बात इनको समझाना पड़ेगा, मैं चूहे को नहीं मारता। शेर हमेशा शेर का शिकार करता है, चूहे का नहीं। ये चूहा मुझसे रंगा बहुत हो गया तेरा, एक दिन तुझे नंगा ही करना है। रंगा जब चलता है ना तो आंधी तूफान का रूप बदल डालता है राधे। कुत्ते कभी शेर नहीं बना करते, ऐसा समझो। रंगा क्या चीज है? रंगा तुझे करूंगा नंगा। मैं रंगा हूँ तो लोगों के साथ में तंगा करता हूँ, और तू सोबाजी में आगे मत आ, नहीं तो यही टपका डालूंगा तुझे। समझ में आया ना? फैसले करते योगी, अपन का खोपड़े बहुत दिनों से घूमे वाला है, सुन। बिल्ला, मुझे लगता है इनकी हड्डियों में काफी जोर है, अभी निकाल देते हैं। देख ले जाए इन कुत्तों को, और मैं भी देखना चाहता हूँ। लेके जा बिल्ला, लेके जा। और खर्चा पानी दे साले जनतों के सामने, लेके जा, लेके जा।
क्या हुआ अंजलि? देखो राधे, यहाँ मल्लिका का खून हो गया है। तुम पहले पुलिस को कॉल करो। हेलो पुलिस स्टेशन। तू घबरा मत यार। नहीं राधे, किसने मारा है मल्लिका को मेरे? इसका खून जिसने भी किया होगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अपन। नहीं छोड़ेंगे सलीम, मल्लिका के कातिल को नहीं छोड़ेंगे सलीम। जरूर खूनी इस हवेली में। राधे, जिसने मल्लिका खून किया मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदला लेंगे मल्लिका तेरे खून का। रंगा तू? रंगा? तू जिंदा है? तू तो मर चुका था, तू जिंदा कैसे? तू जिंदा है इसलिए यहाँ मौत दिख रही है। रंगा, ये खून तूने ही किया। इधर उधर की बात करना छोड़, पहले ये बता इसका खून किसने किया? जरूर इसी ने किया होगा। ये खून मैं क्यों करूंगा? मेरे मलिका खून तूने किया रंगा, कमीने! खून तूने किया रंगा, और हमें पूछता है खून किसने किया? लौट बाजू, ये खून मैंने नहीं किया। झूठ बोल रहा है। रंगा, हम जानते हैं कि ये खून तूने ही किया। अरे मैंने नहीं किया। रंगा, तूने मेरे मलिका खून किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंगा, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऑफिसर, ये खूनी है, बार बार हवेली में यही खून कर रहा है और अपनी मौत का झूठा ड्रामा कर रहा है। ड्रामा कौन कर रहा है राधे? ये तुम्हें जल्दी पता लगेगा। ये तुम्हारा रंगा नहीं है, ये हमारी डिपार्टमेंट का सीबीआई ऑफिसर मिस्टर G9 है। हाँ, मैं मास्टर G9 हूँ, सीआईडी ऑफिसर। तो कौन हो? मैं मास्टर G9, रंगा लाला का जुड़ा भाई। तो रंगा का है? रंगा का खून हो चुका है। क्या? वो मुजरिम था, मैं ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर। कोई शक? लेकिन सर, ये मास्टर G9 ने तो खून कौन कर रहा है इस हवेली में? कौन है खूनी? मेरे मल्लिका का खून किसने किया? इस राज का पता अब जल्द ही लगने वाला है। इस हवेली में खून के ऊपर खून होते जा रहे हैं। ये खून कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं, इसका पर्दाफाश अब तुरंत कर देते हैं। हवेली में पहला खून हो गया, वो खून हो गया रॉकी का। दूसरा खून जब आप बार में डांस कर रहे थे, किसी को पता भी नहीं लगा कि खूनी बार में है, और तभी दो खून हो गए, वो खून हो गए आइटम्स गर्ल्स के, और बाद में जो खून हो गया वो हुआ रंगा का खून। आप लोगों को लगा, इसे लगा कि ये खून इसने किया, इसको लगा कि खून इसने किया, लेकिन खून कोई और कर रहा था। आप लोग आपस में उलझे रहे। उसके बाद और एक खून हो गया, वो खून आपके सामने है। खून पे खून कर रहा है खूनी, और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। वो खूनी आप में से है। खूनी कितना भी चालाक हो, मेरी नजर से नहीं बच सकता। वो खूनी है मिस्टर वीर प्रताप सिंह। नहीं सर, ये आप मुझ पे झूठा इल्जाम रख रहे हैं। ये सब नेक काम आपने किए है। नहीं सर, ये आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आपका नाम वीर प्रताप सिंह नहीं है? है तो उसमें क्या, मैंने कोई खून नहीं किए।
यह वीर प्रताप सिंह है। रंगा ने वीर प्रताप के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। भवानी सिंह, मुझे हवेली चाहिए, 24 घंटे में हवेली चाहिए। तुम देना चाहो भी या देना चाहो भी ना। अगर हम ना कहे तो? रंगा वो मर्च की तरह है जो छीनना जानता है। हवेली का गुस्सा मत ला मुझे। ये पुरखों की एक निशानी है, ये हम तुम्हें हरगिज नहीं देंगे। जब तुम नहीं रहेंगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी क्या रहेगी? सबको मार डाला। मुझे मारना है, मेरा दुश्मन तो बच ही नहीं सकता ना। उस बच्चे का क्या हुआ? बच्चे का तो कुछ पता नहीं चला। बिल्ला, मैंने तुझे कहा था कि मुझे पूरे परिवार का खत्म होना, मुझे उस बच्चे की लाज चाहिए, नहीं तो तेरा सबर नहीं होने दूंगा, समझा? उसके बदले की आग में ये जल रहा था। इसने पहला खून करवाया खुराना का, जो इसके बीच में आ रहा था। खुराना? खुराना? हाँ, जो रंगा का खास आदमी था। रंगा को बहका के उसी के हाथों से मरवा दिया। खुराना, रंगा दादा मुझे मत मारो। रंगा जब किसी के नाम की सुपारी लेता है ना, उसे यमराज भी नहीं रोक सकता। मुझे मत मारो, माफ कर दो रंगा दादा। तू किस खेत की मूली है बे? रंगा दादा, तुझे मरना है और मरना है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अपन का नाम है रंगा, अपने से जो लेता है पंगा, अपन करता उसके साथ इस धरती पे पूरा ही दंगा। और दूसरा खून किया ग्रीन पार्क बार में। रंगा को मारने के लिए जाने वाला था, जब अंधेरा हुआ दोनों डांसर बीच में आ गए और मर गए। इसका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका टारगेट था रंगा। ए, तुझे नहीं छोड़ेंगे। अभी रुको, रुको अभी। रंगा का खून करते हुए मल्लिका ने देख लिया था, इसलिए मल्लिका को भी इसने मार दिया। कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है? अंदर है, अभी रुको। मुझे मेरे भाई से मिलने दो, मुझे मेरे भाई से मिलने एक दो। शर्त पे मिलने दूंगा। मुझे मेरे भाई से मिलना है।
कौन सी शर्त बताओ? तुझे मेरी हवेली में नौकरानी बनना है और रात में आत्मा बन के घूमना है। हाँ करूंगी, पर मेरे भाई से मिलने दो। जाओ। ये बहुत खतरनाक मुजरिम है, ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पकड़ो उसे। सर जी वो बहन दत्ता का भाग रहा है। मास्टर जी नाइन, पकड़ो उसे। वीर प्रताप रुक जाओ वहां पर। तू क्या बिगाड़ेगा मेरा ऑफिसर? मेरे आदमी देख चारों तरफ है। वीर प्रताप, तू कानून अपने हाथ में मत ले। कानून को हाथ में लेने वाले सब मिट्टी में मिल गए। ऑफिसर, ये तो वक्त ही बताएगा मिट्टी में कौन मिलता है। मैं कहता हूँ रुक जाओ वहां पर। ए ऑफिसर, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह रंगा को मारा ना, उसी तरह तुझे भी खत्म कर दूंगा। वीर प्रताप, छोड़ दे उस मासूम लड़की को, वरना बेमौत मारा जाएगा। वीर प्रताप को मारना इतना आसान नहीं।
छोड़। जानू तू कुछ नहीं होगा जानी, तुझे हॉस्पिटल लेके चलते जानी। जानी तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जानी तुझे। नहीं जानी तू जा नहीं सकता। जानी तुझे कुछ नहीं होगा। जानी जानी तू होश में आ। जानी होश में आ। जानी होश में आ। जानी जाने तुझे कुछ नहीं होगा। जाने कुछ नहीं होगा तुझे। जाने जाने हम जैसे पुलिस वाले जो अपनी जान पर ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं तो हिंदुस्तान चैन से सोता है। तो आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि पुलिस की आप लोग मदद करो। सलीम हाँ। मलिका भी नहीं रही और जानी भी नहीं रहा हाँ। अब तुम लोगों को मैं खोना नहीं चाहता। तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। चलो इस हवेली से दूर चलते हैं। चल यार सलीम। राधे मेरा भी कोई नहीं, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। चलो इस मनुष्य हवेली से दूर अपने घर। सर भूत प्रेत तो कहीं होते नहीं। हाँ और वीर प्रताप सिंह जैसे इंसान शैतान बन जाते हैं, लेकिन राधे सलीम और जाने जैसे दोस्त इनकी मिसाल जैसे हिंदू मुस्लिम और ईसाई। ऐसी ही दोस्ती अगर हर हिंदुस्तानी में रही तो दुनिया की किसी भी हवेली में कोई राज नहीं रहेगा। जय हिंद। डिंगोला डिंगोला डिंग डिंग डिंगोला 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 डिंग डिंग डिंगोला 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 डिंग डिंग डिंगोला 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 डिंग डिंग डिंगोला। Dingala ding ding dingala 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 ding ding dingala।